नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। मैनपुर थाने में एक गुम इंसान की दर्ज किया गया था रिपोर्ट। पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की संदेह। रायपुर से पहुंचा जांच टीम। घटना स्थल पर मिले आधार कार्ड, बैग और कपड़े से परिजनों ने किया पहचान। गरियाबंद मैनपुर क्षेत्र में गायब 40 दिन पूर्व लापता युवक और युवती के कंकाल रूपी शव मैनपुर से महज 6 से 7 किलोमीटर दूर गोबरा जंगल पहाड़ी किनारे आज मंगलवार को सुबह मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा मैनपुर थाने में दिया गया। मैनपुर थाने से टीम मौके पर पहुंचकर जायजा लिया तो प्रथम दृष्टता से युवक और युवती एक पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, तो वही शव कंकाल के रूप में मिला। सिर्फ घटना स्थल पर शव के कंकाल और कपड़ा, बैग, आधार कार्ड बरामद हुए, जिसके आधार पर मामले की जांच प्रारंभ किया गया। मैनपुर थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा ने बताया कि 10 जुलाई को मैनपुर विकास खंड के ग्राम राजपुर जडापदर से भूमिका नागेश, उम्र 21 वर्ष, घर से बगैर बताए कहीं चली गई। वहीं उसी दिन ग्राम कोनारी तुहा मेटा से लक्ष्मण मरकाम, उम्र 20 वर्ष, भी घर से बगैर बताए लापता हो गया। दोनों के परिजन के द्वारा मैनपुर थाने में पहुंचकर गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मैनपुर पुलिस द्वारा मामले में जांच किया जा रहा था। इस दौरान परिजनों द्वारा प्रेम प्रसंग की बात भी बताई गई और आज 20 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह सूचना मिला कि मैनपुर से 6 से 7 किलोमीटर दूर गोबरा जंगल पहाड़ी किनारे युवक युवती की लाश कंकाल के रूप में मिला है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ किया। युवक युवती द्वारा पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या किया गया और आसपास उनके कपड़े तथा आधार कार्ड, बैग भी मिला। परिजनों के द्वारा भूमिका नागेश 21 वर्ष एवं लक्ष्मण मरकाम 20 वर्ष के रूप में शव का पहचान किया गया। थाना प्रभारी शिव शंकर हुर्रा ने आगे बताया कि रायपुर से फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से जांच प्रारंभ किया गया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले में जांच प्रारंभ किया गया। जैक्स न्यूज करियाबंद से जगदीश यदु की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।